गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको मिलाती हूँ अपने दोस्त से, साहिल से। ये देखो मेरा दोस्त, और बहुत अच्छा डिज़ाइनर है और बहुत अच्छा स्टाइलिस्ट भी है। सो वही मेरे क्या नाम है, शादी के जो गारमेंट्स हैं वही डिज़ाइन कर रहा है। तो गाइस, मैं आपको ले चलती हूँ उसके स्टोर और दिखाती हूँ आपको कि हम क्या कर रहे हैं। और अपने दूल्हे को भी साथ लेके जा रही हूँ। वैसे मैं आपको, मेरा दूल्हा तो पता ही होगा सबको। और प्लीज सब्सक्राइब मुझे कर दो, ये मैं पहले ही बोल रही हूँ, वीडियो के आखिर में भी दोबारा से बोलूंगी। पानी पी ली अखिया, मैं तो ऐसे ही पहन के थी अपने जूते। तुम्हारे जूते तो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, वैसे मेरे तो बेकार से लग रहे। तुम्हारे जूते ज्यादा अच्छे लग रहे। हम दोनों ऑटो में बैठ गया, अब हम जा रहे हैं शाहपुर चाट साहिल के पास। ये भी मेरे ब्लॉग में हंसती नहीं, ऐसा मुंह बनाए बैठती है। मैं भी नहीं हंसूंगा इसकी वीडियो में। मैं ज्यादा हंसमुख लड़की नहीं हूँ यार, मेरे पे ज्यादा हंसी अच्छी लगती है, स्माइल इतनी अच्छी नहीं है। सो गाइस, अब मैं पहुंच गई हूँ शाहपुर चाट। सो ये थार बड़ी अच्छी लग रही है यार। और ये है फैशन स्ट्रीट, और ये है बॉम्बे भेलपुरी वाले भैया। भैया ये मूंगफली पैक कर दो और एक भेलपुरी लगा दो, और मुझे पैसे भी बता दो कितने हो गए। अभी मेरा दोस्त मिल गया यहाँ पर, सुमंत। ये फोटोग्राफर है और इसके साथ मैंने काफ़ी काम किया है। ये देखो मेरी भेलपुरी बन गई है, कैसी लग रही है गाइस। भैया ने पैसे ले लिए हैं, अब मैं अपनी भेलपुरी उठाऊँगी और साहिल के स्टोर जाऊँगी। आ जाओ, आप लोग को साहिल के स्टोर लेके चलते आपके डाइट का खाना भी आएगा। कैसे वीडियो कट कर दिया? हेलो भाई, आपका डाइट का खाना, साहिल का डाइट का खाना दिखा दो। मेरा डाइट का खाना ऑलरेडी आया हुआ है, देखो मैं ये खा रहा हूँ पतला होने के लिए। हमारी शादी में ऐसा ही, इससे भी पतले हो जाओगे। तुम तो वैसे ही पतले हो, मुझे पतला होना पड़ेगा ना तुम्हारी शादी में अच्छा लगने के लिए। एक हफ्ते प्यार से आई खाना चुपचाप से, ये लो मैंने ऐसे ही खा लिया। अभी बहन भी खाएगा ये। मैं क्या देखा था अभी? से टाइट है जो चढ़ी में रहा था ऊपर, तो लूज करा है अभी। तो कंधे में जैसे यहाँ आ रहा था ना, तो उसको थोड़ा सा कि दोबारा जरूरत नहीं है, वो उसी में उनको दिखे थोड़ा बहुत माइनर, वो अब फ्रेश। मैं तुम्हें लुक समझ में आ रही है ना? यहाँ से जो झोल आ रहा था, जो मासी ने जो डमी ब्लाउज बनाया था ना, वही कलर इसको अच्छा लग रहा था। बाकी अभी एक चीज मैं यहाँ पे धमाका देने आई हूँ, अच्छा लगता है। ऊपर सारी चीजें अच्छी लगती है यार, रेप साड़ी ना थोड़ी अलग टाइप की लगती है। ये सब ये नॉर्मल रेगुलर चीज है, सब पहनते हैं, ये ब्राइड वाला लुक नहीं देता। देखो कैसे हेल्प कर रहा है मेरी। ये मैंने अपने ब्लाउज की फिटिंग्स के लिए आई हूँ, ये मेरा ब्लाउज नहीं है बट ट्रायल्स के लिए आई हूँ, ऐसी डमी ब्लाउज है ये। तो गाइस, ये कलर कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, आप लोग बताइए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये ब्लू कलर मेरे ऊपर। और ये लहंगा मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, सो मैं साहिल से कुछ डिस्कस कर रही हूँ इसके बारे में। और ये देखो मैंने मारी एक चक्री, मेरे सारे काफ़ी सारे फिटिंग्स मेरे साथ हैं। हाँ, और आधे कपड़े मैंने साहिल के मुझसे बोला था कि अगर तुमने आज ब्लॉग नहीं बनाया तो मैं घर चले जाऊंगा। ये मेरी प्रिय रानी को भी हम कपड़े सेलेक्ट करवा रहे हैं।
कि ये मेरी शादी में क्या पहनेगी। ये देखो इसने लड्डू पीला कलर पहना है और ये बहुत ही प्यारी लग रही है। अब ये देखो बल्ले बल्ले कर रही है। अब ये देखो नज़मा आप ही लग रही है बिल्कुल। मैं जब खाने की बारी आती है तो मुझे बस मैं ही दिखती हूँ और मेरा खाना। मैं प्रिया को बाहर तक छोड़ गया। ये तो है वो बंदा है। अभी डिसाइड हो रहा है। 9 बज गए गाइस। अभी भी हम लोग फाइनलाइज करने में ही है। जैसे नींद भी आ रही है। मैं जल्दी जल्दी फाइनल करो ना यार। रेडी आप बॉयज आ रहे हैं। मगर मैं एक सोच रहा था कि ये फूल भी मैच हो जाए। रेड और बर्न्ड ऑरेंज। रेड और बर्न्ड ऑरेंज इसमें से क्या लेना चाहिए? एंजॉय कलर भी एंजॉय। हां तो पता था मेरे दर्द। साहिल ने मुझे बोला कि अब से पल्लव भी हेल्दी ही खाना है तो ये मुझे दे रहा है। हैम्पर दो मुझे। हैम्पर खाना तो मुझे चाहिए वैसे। सारे को लेंगे ना। ये सारे मेजर में लेंगे। ओके गाइस फाइनली अभी सब कुछ डन हो गया और हम लोग बहुत थक चुके हैं और अब घर की तरफ निकल रहे हैं। कितना टाइम हो रहा है बहन? 9:30। 9:30 बज रहे हैं और हम घर की तरफ जा रहे हैं। ऑटो ऑटो ऑटो। ओके गाइस गुड नाइट। प्लीज लाइक सब्सक्राइब फॉलो।